प्रिय भाई और बहनों आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में आज का संदेश प्रसुक दास दिव्यांजनी अंग्लेश्वर से हटा जाएगा प्रार्थना के साथ सुनिए जय मसी की सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर के वचन जो सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है आज का मनन के लिए अयुब की किताब तैतीसवीं अध्याय की तेईस और चौबीसवीं कलम पढ़ने के लिए चाहता हूँ जॉब चैप्टर थर्टी थ्री वे ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर यदि उसके लिए कोई बिछवाई स्वर्ग मिले जो हजारों में से एक ही हो जो बावी का है और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है उसे गड्ढे में जाने से बचा ले मुझे चुड़ौती का दाम मिल गया है प्रभु की नाम की महिमा हो यह हम एलुह का वचन यहाँ हम हम दे सकते हैं एलिहु और उसका साथ में जो लोग हैं साथ साथ में अयुब के लिए भी इस वचनों बता रहा है। अयुब का जीवन में आए हुए विपत्ति को सभी लोगों को जानते हैं उसका संतानों सब मर गया है और उसका शरीर में बहुत बीमारियां मा मार गया। उसका संपत्ति सब नष्ट हो गया इसी परिस्थिति में अयुब बोलते हैं कि मेरे जीवन में कोई गलती नहीं किया है परमेश्वर का विरोध में कुछ काम नहीं किया है और उसमें और इस बातों में उसने दृढ़ होकर इस बायोम से कहते हैं मैं कुछ गलती नहीं किया है ये क्यों माँ गया मुझे मालूम नहीं है लेकिन एलिघु बोलते हैं कि किसी कमियों का द्वारा ही ये बात हुआ है लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई बचाने है तो इसी प्रकार के एक स्वर्ग दूध मिले और स्वर्ग दूध एक चुटकारा देने वाला चुड़ौती देने वाला एक व्यक्ति बने तभी तुमको बचा सकता है एक चुटकारा देने वाला चुड़ौती देने वाला एक व्यक्ति आएगा तो तुम्हारा ठीक समय से तुमको बचा सकता है इस बातें एलिघु यहा समझाता है लेकिन इस छुटकारा देने वाला व्यक्ति का बारे में श्रेष्ठ गीत पाँचवीं अध्याय की दसवीं आयत में इस प्रकार पढ़ता है मेरा प्रेमी गौरा और लाल से है वह दस हजारों में उत्तम है वह हम इस प्रकार प्रकट करते हैं छुटकारा देने वाला व्यक्ति मेरा प्रेमी और गौरा और लालसा है गौरा हम दे सकते हैं सफ़ेद कलर एक पवित्र को दिखाता है और लाल कलर और हमको बचाने वाला एक व्यक्ति का और बातें दिखा रहा है लाल कैसे हो गया है लाल अपने शरीर में से जो लहू बहाकर लाल होता है उसी प्रकार की एक व्यक्ति के बारे में वह हम प्रगट करते हैं साथ साथ में मलाके का किताब तीसरे अध्याय की पहली कलम में इस प्रकार हम पढ़ते हैं देखो मैं अपने दूत बेचता हूँ और वह मार्ग को मेरे सुधारेंगे और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आए जाएगा हो और वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हैं हाँ सुनो वह आता है सेनाओं का यहोवा की यह वचन है यह हम इस बातें हम दे सकते हैं पहली जो बातें हैं देखो मैं अपने दूध भेजता हूँ और वह मार्ग का मेरे सुधारेंगे यह हम तो युगन्ना बाप्तिसमय के बारे में समझाते हैं लेकिन दूसरा भाग में हम दे सकते हैं और भी एक प्रभु आने वाला है मंदिर में आएंगे उसका मंदिर हम दे सकते हैं उसका शरीर में आए है शरीर एक मंदिर के रूप में यह हम समझाते हैं वो आएंगे तो हमको बचाने का काम होगा लेकिन हम पहले तिमोती उसकी पत्रिका दूसरे अध्याय की पाँच और छठवीं कलम हम पढ़ेगा तो उसमें साबरी से कहते हैं लेकिन छठवीं कलम पढ़ने के लिए चाहता हूं जिसने अपने आप को सबके चुटकारे के दाम दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई प्रभु यीशु मसीह सबके और सबका छुटकारे का दाम दे दिया है यीशु मसीह कभी इस प्रकार का दाम दे दिया है साढ़े तैतीस साल तक इस पृथ्वी में रहा यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे मृत्यु में यीशु मसीह और उसका लहू बहाकर हमको बचाने का काम किया है पीलातोस और हन्ना कय्फा इसी प्रकार की बड़ा नेथाओम का सामने चुपचाप रहा इतना भी नहीं है और उसका को पर काठोंम का मुगड़ रख दिया दोनों हाथों में दोनों पैरों में किला मार दिया शरीर पर घाव होकर और हमारे लिए मृत्यु सहन करने के लिए आए लेकिन इससे पहले वाडिगे में उसने प्रार्थना करते हुए समय में परमेश्वर पिता से कहा है ये कटोरा तुम ले लीजिए प्रभु इसी प्रकार हम कहते हैं शायद और उस कटोरा प्रभु नहीं स्वीकारे तो हमारा परिस्थिति क्या होगा लेकिन इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है और मृत्यु का समय पर और थोड़ा पहले का समय प्रभु को विदाने छोड़ देता है उस समय का वेदना दुख का बात सह कर कहते हैं कि ये छुटकारा और ये खटोरा है मेरे ओर से दूर करे इसी प्रकार हम दे सकते हैं लेकिन प्रवीषु मसीह इस प्रकार ये सारे बातें सहने के लिए तैयार में रहा अपने जीवन शूली पर दिया मृत्यु के बाद में तीसरा दिन जीव उठकर आज स्वर्ग में है रोमियों का पत्रिका तीसरे अध्याय की छब्बीसवीं कलम में इस प्रकार हम पढ़ते हैं वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रगट हो कि और जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहरने वाला हो यह हम हम दे सकते हैं यीशु मसीह सूली पर मरने का बात और झीव उड़कर आज स्वर्ग में है उसको लहू क्यों बहा दिया है उसको प्रगट रीति से परमेश्वर उसको प्रगट किया है और हमारा जो विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के लिए उस प्रकार की काम किया है इसलिए परमेश्वर हमको सहायता करे यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए हमको बचाने के लिए अपने जान और सूली पर दिया है मृत्यु के बात में सजीवन होकर आज स्वर्ग में विराजमान है वो आराधना के लिए योग्य है स्तुति के लिए योग्य है महिमा के लिए योग्य है इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे हम इस प्रकार पढ़ते हैं एलीघू बोलते हैं कि और तुम्हारे लिए एक इसी प्रकार का एक स्वर्ग तो मिले एक छुटकारा देने वाला चुड़ौती देने वाला मध्यस्थ तुम्हारे लिए है तो तुमको बचा सकता है लेकिन ये असंभव बात जैसे कहते हैं लेकिन आज हमारे लिए जो विश्वास करते हैं वो लोगों के लिए बचाने के लिए प्रवेश मसी स्वर्ग में जीवित है हमारे जैसे एक मनुष्य जैसे स्वर्ग में है इस प्रभु का पास में हम जाएंगे और जो यीशु मसीह को स्वीकार करता है उद्धार देने के लिए यीशु मसीह तैयार है उसे बड़े आशा में के प्रभु की आराधना करेंगे स्तुति करेंगे उसकी नाम की महिमा हो जय मसीह की